मन की पूर्णिमा फागुन की बात करते मन की आओई का ये त्योहार आओ इसको मनाए यार श्रद्धा से पूरित हो मिलकर यज्ञ रचाए श्रद्धा से पूरित हो मिलकर यज्ञ रचाए नए अन्न की आहुति ले होली में फिर जाए नए अन्न की आहुति दे होली में फिर जाए है यही यज्ञ से बढ़ता हमेशा प्यार पूर्णिमा फागुन की बात करते मन की पूर्णिमा फागुन की बात करते मन की हो होली का ये त्योहार आओ इसको मनाएं यार जो होली सो होली उसको आज बुलाओ मन का बैर मिटाकर हम सबको गले लगाओ मन का बैर मिटाकर हर सबको गले लगाओ रंग हो प्रेम का मौसम मस्त बहार पूर्णिमा फागुन की बात करते मन की हो होली का ये त्योहार चार काली दुर्गा का रूप है नारी खुशियों का संसार है नारी शक्ति का अवतार है नारी जीवन का आधार है नारी ईश्वर का चमत्कार है नारी घर आंगन की मुस्कान है नारी रिश्तों का सम्मान है नारी संस्कारों की जान है नारी स्नेह प्यार और ममता की इकलौती पहचान है नारी धन्यवाद कहानी का नाम है आधा किलो आटा एक लाला के पास एक सेठ के पास बहुत संपत्ति यथा संपत्ति थी उसको भी नहीं पता था कि मेरे पास कितनी संपत्ति है उसने अपने मुनि को यानी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के भाई हिसाब लगाए बताओ मेरी कितनी संपत्ति है उसने हिसाब लगाया कि लाला जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी सात पीढ़ी तक खाएंगी तो इस बात को सुन के लाला निराश हो गया और अपने घर गया घरवाली बोली तुम कैसे निराश क्यों हो रहे हो मेरा निराश कारण यह है कि मेरी सात पीढ़ियों तक के लिए तो खाना है लेकिन मेरी आठवीं पीढ़ी का क्या होगा अरे लाला जी आप ऐसा करो भगवान बुद्ध के पास जाओ भगवान बुद्ध रहते हैं उनके पास जाओ उसका हल वो बताएंगे तो उसके पास गया वो अरे भगवान मेरा ऐसे परेशानी है मेरा इसका हल बताएंगे उन्होंने बताया सारे मेरी सात पीढ़ी तक का खाना है आठवीं तक के लिए कैसे होगा अरे अच्छा तुम ऐसा करो आधा किलो आटा लो और इस बस्ती के किनारे पे कुटिया में बुढ़िया रहती है उसके पास जाओ तो जो आधा किलो आटा लेके बुढ़िया के पास गया अरे माता ये आटा ले लो ये आपके काम आएगा आधा किलो आटा लाऊंगा अरे नहीं आज का तो है मेरे पास है मैं कल की चिंता क्यों करूँ मुझे नहीं चाहिए मेरे पास तो है आज का तो वहाँ से वो उसको बड़ा झटका लगा अरे बुढ़िया नहीं ले रही आटा देखो इसके पास तो आज का है कह रही कल की मैं चिंता क्यों करूँ तो वहाँ से आ गया फिर भगवान मुझसे बोला ऐसे मुझको सबक मिल गया और मैं जो है करो तुम्हारे पास आज का है ना उसकी चिंता करो आगे अच्छा एक छोटी सी कविता इसको अपने जीवन में भी अपना करो मैं सुना प्रॉपर्टी डील का काम करने लगे आजकल आप प्रॉपर्टी डील का काम करने लगे ना तो इतना बहुत है आपके पास में जो कुछ है चल ऐसा होली संबंध तो नहीं है कम से ये अलग हटकर के लोगों से बहती आई देश प्रेम की धारा इससे ही एकात्म हुआ भारत देश हमारा नारी का सम्मान यहाँ गौरवशाली परंपरा नहीं मैं अपने लागू नहीं करवा रहा हूँ मातृभूमि के संस्कारों से पालित है ये परंपरा
त्याग प्रेम के आदर्शों से भारत भाग विधाता भारत भाग संवारा। वेदों की पावन धरती पर देवों ने अवतार लिए, राम कृष्ण गौतम नानक ने अमृत रस संचार किए। एक सूत्र में क्रोधी को दिया सहारा, वीरों की जन्मभूमि को ऋषि मुनियों ने संवारा। नेताजी आजाद भगत सिंह का बलिदान है प्यारा, गांधी जी के आदर्शों ने भारत भाग्य संवारा। भारत के प्रयासों से विश्व ने योग अपनाया, सबने माना योग से होगी सबकी निरोगी काया। जीव और जीवन दो है संस्थान का एक सहारा, योग साधना से ही होगा निरोग देश हमारा। बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना। इधर महिला शक्ति दिवस भी है तो वो सब हम जानते हैं। आइए मैं सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ कि आप सभी बंधुओं से इतनी सी प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान को इधर भी लगाइए। जहाँ भी जगह है मेरे आगे पीछे दाएं बाएं अच्छा सा पड़ोस देख कर बैठ जाइए। गीत व गजल होंगी, गीत व गजल होंगी, हंसना मुस्कुराना होगा, अपने हाथ से चेहरों पे लाली माले आइए। जानदार कविता में एक बार, जानदार कविता में और मजा आ जाए, जो एक बार जो तो आज आप सुबह सुबह निकल करना, जब आते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को जगाते। कल मैं सुन रहा था आचार्य प्रशांत जी बोल रहे थे कि ये कृष्णपंथी सारे के सारे नाचते फिरते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जगाया था तो अर्जुन यही तो कह रहा था कि मुझे नाचने दो, मुझे गाने दो, मुझे अपनी मर्जी के करने दो। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, उठ खड़ा हो युद्ध कर, ये माया मोह ममता सब छोड़। तो वो कह रहे थे कि ये जगाने की जरूरत अंदर है, इस समय जैसा माहौल है शायद संघर्ष करने की जरूरत है, और संघर्ष कहीं और नहीं, किसी और को नहीं मारना, मारना अपने आप अंदर है, युद्ध अपने आप से करना है। अगर कहीं युद्ध की जरूरत है तो अपने आप से युद्ध करने की जरूरत है। और यहाँ प्रारंभ में आकर, सुबह आकर, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप ये सब करते हैं, एक घंटा अपने लिए देते हैं, अपने से संघर्ष करते हैं, अपने युद्ध करते हैं, तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। प्रकाश लाल जी भी बार बार यही कहते थे कि एक घंटा 23 घंटे के लिए वो पर्याप्त होता है। तो आम जीवन के लिए भागम भाग की ज़िंदगी में जब यहाँ पर आते हैं आप, तो निश्चित है वो बल मिलता है 23 घंटे के लिए। तब सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि भागम भाग जिंदगी में कहाँ सुख चैन रहा, जिसका नतीजा ढेर सारी है बीमारियाँ। कि दिन रात काम करें बेसुमार धन जोड़े, हंसना मुस्कुराना छोड़ा जारी है बीमारियाँ। कि खेत खलिहान भूले भूले कीली धूप हम, कि खेत खलिहान भूले भूले कीली धूप हम, भूले हरियाली ही से हारी है बीमारियाँ। खुशनुमा वातावरण खान पान जीवन शैली, अपना के सभी ने तो मारी है बीमारी, अपना के सभी ने तो मारी है बीमारी। इस तरह से बीमारियां मरती, इस तरह से हम अपने आप से युद्ध करते हैं। माया मोह ममता आप ध्यान करते हैं, मान लिया 5-7-10 मिनट का, उसमें कहाँ जाती है। इन दीवारों का भी तो मोह होता है घर में, हमें बच्चों का भी मोह है कि मेरा बच्चा आज, और तो सब छोड़ो कि मेरा बच्चा सुखी होना चाहिए, मेरा परिवार सुखी होना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में। जब हम यहाँ के सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् की बात सोचते हैं, तो सोचने मात्र से ऐसी अंदर विचारधाराएं बन जाती हैं कि हम सुखी हो जाते हैं औरों के सोचने। जब तक हम अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे शायद ये बात नहीं बनेगी। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात सोचते हैं तब भी ये बात शुभ हमारे अंदर उतरने लगती है। तब मैं लिखता हूँ कि चार पल भी तू कभी आसन में बैठा नहीं, कि चार पल भी तू कभी आसन में बैठा नहीं, डर गुस्सा और निराशा उसका ही फल। कि मन का जो बिठा लेगा आसन पे,
कि मन का ये मन का जो बिठा लेगा आसन पे योग साधना से मचे मन हल चल है कि एकमात्र योग ध्यान करता है कल्याण कि एकमात्र योग ध्यान करता है कल्याण प्राण के प्रवाह को बढ़ाता प्रतिपल है खुद जगह कृष्ण भागे विषय विकार मिटे तेरे पास ही तो सारी समस्या का हल है तेरे पास ही तो सारी समस्या और हम उसे जगाते ही नहीं इतना ही बहुत हो गया और चलेंगे एक होली गीत पर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मुबारक होली मुबारक तुम्हें मुबारक होली मुबारक तुम्हें ये रंगी ठिठोली मुबारक मुबारक होली मुबारक तुम्हें ये रंगी ठिठोली मुबारक सभी को रंगो प्यार के रंग में सभी को रंगो प्यार के रंग में ये चंदन अरोली मुबारक मुबारक होली मुबारक ये रंगी ठिठोली मुबारक ये किसी मेरा शेर है कि शराफत हम भी रखते हैं कि शराफत हम भी रखते हैं मोहब्बत हम भी रखते हैं मिलो हर एक से हंसकर ये आदत हम भी रखते हैं भुला कर गिले सिकवे सबसे मिलो भुला कर गिले सिकवे सबसे मिलो मोहब्बत की झोली मुबारक तुम्हें मुबारक होली मुबारक तुम्हें ये रंगी ठिठोली मुबारक तुम्हें और होली को होता क्या है अक्सर होली ना सारी रंजिश सारी गांठ होली पे निकालते हैं लोग तब न रंजिश न गांठें रखो मन में अब न रंजिश न गांठें रखो मन में अब जो होली सो होली मुबारक तुम्हें मुबारक हो होली मुबारक तुम्हें ये रंगी ठिठोली मुबारक तुम्हें और यदि आपने किसी को प्यार से बोल दिया ना जैसी वो भाषा चाहता है तो समझो होली हो गई तो आज वैसा ही करना चाहिए लगे है गले मैं है मिश्री घुली लगे है गले मैं है मिश्री घुली ये कोयल सी बोली मुबारक तुम्हें मुबारक हो होली मुबारक तुम्हें ये रंगी ठिठोली मुबारक तुम्हें और अंत में एक प्रेरणा का छंद मेरा है जिसको मैं सुनाया करता हूँ अक्सर कि प्रेरणा ये धर्मवीर जी रुकमवीर सिंह जी और आप सभी लोग रोज कहते हैं योग करा कर योग करा कर योग करा कर देखिए सबके भाग में तो होता नहीं है तो लोग तो अब भी सोए रहते क्योंकि जो मजा बिस्तर में है सुबह सुबह वो शायद जोड़ना बड़ा मुश्किल है तो ये भी सो जाएंगे अगर इतना ही कहोगे क्या करें मगर ये भी सारे सो जाएंगे अगर इतना ही कहोगे तो आप सब लोग अच्छा जानते हो मुझसे अच्छा जानते हो कभी कभी मैं भी ऐसा कर जाता हूँ लेकिन सत्य आ ही जाता है आप लोग जगाते हैं ये अच्छी बात है सत्य बात आ ही जाती है दस बात है और देखिए कहना ही सच चाहिए जब आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और होंगे ना तो ये जो रंगीन है ना दिख रहा है ना आपको ये अंदर ऐसा होना चाहिए अंदर ऐसा होना चाहिए तब कि सबके जमाए पैर किसी के उखाड़े नहीं हर मुश्किल हल करती है प्रेरणा सबके जमाए रंग जो खिलाए अंग अंग बद रंग में भी रंग भरती है प्रेरणा कि रोग हो या दुख दर्द भाव बाधा मिट जाए आदमी की हर पीड़ा हरती है प्रेरणा वाल्मीकि हो कि कालिदास चाहे तुलसी हो अंतरंग होकर उतरती है प्रेरणा अंतरंग होकर सब कुछ करके कुछ ना कहना उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं सब कुछ करके कुछ ना कहना उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं महिला होना इतना भी आसान नहीं है भारतीय योग संस्थान का केंद्र अद्भुत और महान है योग सुखों की खान है जो रोगों को मार भगाता करता स्वास्थ्य प्रदान है योग सुखों की खान है।
उठो बंधुओ 4 बजे नित, बिस्तर का परित्याग करो। ये मास्टर जी के उल्टी है बात है ना। उठो बंधुओ 4 बजे नित, बिस्तर का परित्याग करो, सोच क्रिया से निवृत्त होकर नाओ प्रभु का ध्यान करो। दरी और कंबल लेकर फिर केंद्र को प्रस्थान करो, शुद्ध वायु का सेवन कर लो, योग में योगासन में ध्यान करो। डरो नहीं कुछ फीस नहीं है, डरो नहीं कुछ फीस नहीं है, न दंड विधान है, राजनीति का काम नहीं, इसका यही निशान है। बालक बूढ़ा या फिर जवां है, बालक बूढ़ा या फिर जवां है, नर है या नारी है, हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, सबका यह हितकारी है। प्राणायाम सहित आसन से बढ़ती उम्र हमारी है, और चुस्ती फुर्ती मस्ती मिलती और घटती सभी बीमारी हैं। भूल गए इस निज संस्कृति को, वेदों का न ज्ञान रहा, भूल गए इस निज संस्कृति को, वेदों का न ज्ञान रहा, ऋषि मुनियों की वाणी का न तनिक बिल्कुल ध्यान रहा। सीख रहे हैं जबकि विदेशी योग विद्या ध्यान लगा, हम पश्चिम के बने पुजारी, अपनी संस्कृति रहे भुला। संस्थानीय भूल मिटाता कर्ता जन कल्याण है, योग साधना केंद्र बनाता और योग सुखों की खान है।